हेलो ऑल कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम विनीत पोद्दार, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इसके पिछले एपिसोड में मैं आपको सेल का पूरा इंट्रोडक्शन आपको मैं एक्सप्लेन किया था। आज के एपिसोड और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ पूरे इस एपिसोड में। तो चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। स्टूडेंट, आज के एपिसोड में मैं सेल का तमाम वो पार्ट को मैं टच करूंगा जो आप समझना चाह रहे हैं और जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नेसेसरी है, बहुत इफेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या समझते हैं यहाँ पे हम लोग कि सेल जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि सेल ही पूरे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है और एक एक स्ट्रक्चर को प्रॉपर से फंक्शन भी कराता है, राइट। एंड इट कैन एग्जिस्ट ऑल्सो इंडिपेंडेंटली टू परफॉर्म ऑल द प्रोसेस। यस, हमारे बॉडी में जो सेल है ये तमाम वो प्रोसेस कराएगा, जस्ट लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन। तो अगर सेल है तभी तो ये हो पा रहा है ना। ओके, सो जस्ट एज बिल्डिंग इज अ मेड ऑफ ब्रिक, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ सेल। यस, जैसे एक घर को बनाने के लिए आपको ईंट की जरूरत रहती है, एक ब्रिक की आवश्यकता रहती है, वैसे इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर दिस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन वी हैव टू जस्ट टेक अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल अ सेल, राइट। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये सेल का फिगर हमारे सेल में, हमारे बॉडी में किस तरीके से दिखता है। That is human chick cell, और ये अनियन पिल सेल है, अनियन के छिलके जो होते हैं उसका डिजाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल जो है अलग अलग कंपार्टमेंट, एक अलग अलग चैम्बर की जैसा बना हुआ है, चाहे वो प्लांट सेल का पार्ट हो या फिर वो एनिमल सेल का पार्ट हो, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं, बेसिकली इसके पिछले एपिसोड में बताया था दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट, दैट इज यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। यूनी मतलब क्या होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और मल्टी का मतलब क्या होता है, मेड अप ऑफ मेनी सेल। So there is no division of labor, and in multicellular there is a perform specific function. अब मल्टी में स्पेसिफिक फंक्शन क्यों परफॉर्म करता है, बिकॉज हमारा बॉडी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। आप समझ सकते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, राइट, एक्सक्रीशन होता है, ये बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। साथ में लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, तो जितने भी चीजें हैं, इसलिए हमारे बॉडी को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला गया है, नॉट आवर बॉडी बट एनिमल ऑल्सो। तो सिंगल सेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, यस, यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन कराने के लिए सिंगल सेल ही पार्टिसिपेट ले पाएगा। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या, द फॉर्मिंग ऑफ न्यू स्पीसीज, द फॉर्मिंग ऑफ अ यंग वंस, बट इन अ यूनिसेलुलर देर इज ओनली वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज बीन रिप्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल, बट इन मल्टीसेलुलर सो मेनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन हैज बीन टेकिंग पार्ट इन एग्जाम्पल ऑफ अ जर्म सेल। लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट, यस, यूनी है, सेल छोटा है, मतलब उतना इसका बॉडी डिजाइन नहीं है, तो लाइफ स्पैन भी क्या रहेंगे, इसके छोटे रहेंगे। And the part of multicellular organism, life span क्या रहेंगे, इसके बड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा body design बहुत ही complex है, nature ने हमारे body design को बहुत complex बनाया है, तो इसलिए हमारा life span भी लंबा है, long है। तो इसके example देख सकते हैं हम लोग, amoeba हो गया, paramecium हो गया, और multi के example क्या है आपका, fungi, plant as well as animal। I think आपको types of organism का ये description आपको समझ में आया होगा, differences आपको समझ में आया होगा। Okay? Now, तो cell के कुछ एक certain characteristics होते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जस्ट लाइक सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्लांट एज वेल एज एनिमल। यस, सेल जो है प्लांट भी रहेगा, एनिमल भी रहेगा, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। सेल जो है इंडिपेंडेंट प्रोसेस कराएगा, यस, हमारे बॉडी में सेल जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट प्रोसेस कराता है, बहुत बेसिक फंक्शन कराता है, तभी मैं बोल पा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तभी आप मुझसे पढ़ पा रहे हो, राइट। सो एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इज लाइफ एज सिंगल सेल, ये बात बिल्कुल आपको समझने की बात है। ये यूनिवर्स का जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट, वो सिंगल सेल से ही हुआ है, सिंगल सेल से ही इतने सारे लिविंग डाइवर्सिटीज जो है हमारे आसपास रह रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ नेचर, दैट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल कंटिन्यूसली रिप्लेस बाय न्यू सेल्स। तो यस, नेचर का नियम है, एक पुराना जाएगा तो नया आएगा, तो सेल का भी रिप्लेसमेंट हमेशा होते रहता है, नए सेल जाएंगे, पुराने बनेंगे, पुराने जाएंगे, नए बनेंगे, तो ये आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेल का होते रहता है। नाउ ये बात आप बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे कि मेनी सेल टुगेदर परफॉर्म अ टिश्यू। यस, जब पुराने सेल, बहुत सारे सेल जब आपस में आते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यू जब आपस में होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। एंड देन ऑर्गन जस्ट लाइक किडनी, लीवर, स्टमक, ये सब क्या है, ऑर्गन है। तो ये कहाँ से बना है, टिश्यू से बना है, और टिश्यू कहाँ से बना है, सेल से बना है। तो सब कुछ जब गेट यूनाइट होता है तो क्या बनता है, एक सिस्टम जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और उस ऑर्गन सिस्टम से हमारे पूरे बॉडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो आई थिंक तुमको ये पार्ट समझ में आया होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक सेल का आपको अच्छे समझ में आएगा, काइंडली आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं,
हम सेल का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, सेल का पूरा डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, सेल का स्टार्टिंग क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, बट ये बात आपको समझने वाली बात होती है कि सेल को डिस्कवर कौन किया स्टूडेंट? यस, द ओनली बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड, द फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर्ड सेल, दैट इज रॉबर्ट हुक इन 1665। ओके, तो रॉबर्ट हुक जो है 1665 में सेल को क्या किया, डिस्कवर किए। कैसे डिस्कवर किए, ये बहुत समझने वाली बात होती है, तो अब ध्यान दीजिएगा। He examined a thin slice of bottle cork under self-made fluid microscope. See, bottle cork क्या होता है? See, cork just like आप समझ सकते हैं कि tree का, पेड़ का एक ब्रांच हो गया, छाल जिसको बोलते हैं, उसमें उसने देखा कि एक honeycomb, हनी का मधुमक्खी का छत्ता उसमें लगा हुआ है, वो एक सैंपल या honeycomb का, और उसको अपने बनाए हुए कंपाउंडेड माइक्रोस्कोप बोलो या क्रूड माइक्रोस्कोप बोलो, आप देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप आपका बना हुआ है, ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप है स्टूडेंट, मतलब पुराने जमाने में उतना तो आपका लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो होता नहीं था, ठीक है, लोग नॉर्मल से वाटर फ्लास्क, नॉर्मल से ऑयल लैम्प की मदद से वो माइक्रोस्कोप यूज करते थे। तो जो पुराने बायोलॉजिस्ट है, सोचो कितने स्मार्ट और कितने इंटेलिजेंट होंगे कि वो ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप से यूज करके पहचान में ले आए कि सेल दिखता कैसा है, इसके अंदर के मटेरियल कैसे दिखते हैं, इसके अंदर का शेप कैसे दिखता है। अभी तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप आ चुकी है, लेजर माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, राइट, और भी तरह तरह के टेक्निफाइड माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, तो ये पुराने माइक्रोस्कोप है। तो सेल जो है एक कंपार्टमेंट के जैसा दिखता है, जस्ट लाइक हनीकॉम। आप देख सकते हैं कि हनीकॉम का स्ट्रक्चर कैसा बना है, आपका अलग अलग पार्ट स्ट्रक्चर है, सबके अलग अलग चैम्बर है, सबके अलग अलग रूम बने हुए हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में भी स्टूडेंट सेल जो है अलग अलग चैम्बर बन के रखा हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो बहुत सारे और बायोलॉजिस्ट आए, शेल्डिन आए, शेवान आए, सेल थ्योरी वाज स्टेट दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लांट एज वेल एज एनिमल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल। अब स्टूडेंट मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करना, उठने से लेके सोने से लेके पानी पीने से लेके पूरे हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करने को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर अगर मैं प्रॉपर से डाइट नहीं ले रहा हूँ तो मेरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा डिसमेंटल हो जाएगा, डिसऑर्डर तरीके से हमारे सेल जो है इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सेल जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, उसके लिए ज़रूरी क्या है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, ठीक है। सेल इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी एज इट कंटेन हेरिडिटिकल मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। यस, सेल के कारण ही हेरिडिटिकली मटेरियल, मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के इन्फॉर्मेशन हम समझ पाते हैं। जस्ट लाइक आपके फैमिली में, मेरे फैमिली में जो भी एक हेरिडिटिकल ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, मेरे चेहरे मेरे रिलेटिव से मिलेंगे, आपके चेहरे आपके रिलेटिव से मिलेंगे, तो ये सेल के कारण ही होता है, सेल में जो डीएनए अवेलेबल है उसके कारण ही होता है। अब डीएनए क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको अच्छे से एक्सपेंड करूंगा। ओके, तो ऑल लिविंग सेल अराइजेस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये तो सीधी सी बात है। मैं कैसे बना हूँ, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनूँ, आप कैसे बने हो, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनूँ, ये पूरे यूनिवर्स में जो लिविंग क्रिएचर वो कैसे बने हैं, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं स्टूडेंट। तो ये बात आप बिल्कुल ही समझ जाइए कि सेल का जो पार्ट है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन के आगे बढ़ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी क्या बताता है, सेल थ्योरी बात करो अगर तो बहुत सारे अलग अलग यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे लाइक वायरस का अगर बात करते हैं तो वायरस जो है आपका विच इज नाइदर लिविंग बींग नॉन लिविंग, तो एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन ये बोल सकता हूँ कि वायरस जो है ना ही लिविंग बींग्स बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बींग्स बोल सकते हैं। तो दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड लिविंग सिस्टम एंड दे डो नॉट परफॉर्म एनी लाइफ एक्टिविटीज। यस, वो बाहर अगर कोई इसको लिविंग सिस्टम नहीं मिलेगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। शायद जो अभी कोविड फैला है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट इसका मेडिसिन, इसका वैक्सीन बना नहीं पा रहे, बिकॉज समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन कब बंद होगा, क्योंकि जब इसको लिविंग बॉडी मिलेगा मल्टीप्लीकेशन होना चालू हो जाएगा। खैर, वो बात की बात है, अभी मैं आपको सेल पढ़ा रहा हूँ, इतना डीप इसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया नॉट ट्रू सेल्स, जस्ट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, दे आर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। इस बैक्टीरिया में प्रॉपर वेल डिजाइन सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इसका मतलब यह है इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहेगा, किसी भी तरह का ऑर्गेनल्स नहीं रहेगा, ठीक है, और किसी भी तरह का डीएनए भी वेल डेवलप नहीं रहेगा। एंड सम मॉल्ड फंगाई हैव सम ए सेलुलर बॉडी, देयर प्रोटोप्लाज्म हैज मेनी न्यूक्लियाई। अब फंगाई का बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म स्ट्रक्चर रहते हैं, तो इसमें भी बहुत वेल डेवलप्ड चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन की पार्ट है सेल थ्योरी में। आगे बढ़ते हैं, यस, सेल नंबर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल। सेल नंबर, इससे पहले ही बताया था आपको मैं, क्या होता है सेल नंबर, कि सिंगल सेल और बहुत सारे सेल से जो बना है उसको मल्टी बोलते हैं, जो सिंगल सेल से बने उसको क्या बोलते हैं, यूनि बोलते हैं। तो यूनि सेल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, पैरामीशियम है, अमीबा है,
बैक्टीरिया है, इससे ये सभी जितने भी आपके जो टाइप्स है, जितने भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सब सिंगल सेल से ही बना है स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट मल्टी की बात करता हूं मैं, तो मल्टी में क्या आएंगे, पूरे प्लांट और पूरे एनिमल, जितने भी प्लांट एनिमल है सब बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं, तो मल्टी का मतलब होता है वी, तो ये सब आप समझ सकते हैं। सेल साइज की हम बात करते हैं, बहुत जरूरी है आपका, तो सबसे छोटा सेल, वेरी स्मॉलेस्ट सेल अगर बात करूं स्टूडेंट, तो वो है माइक्रोप्लाज्मा, तो बोलते हैं पीपीएलओ भी बोलते हैं, तो फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज है, इसका जो साइज जो है, देखो अब किसी भी चीज को स्केलिंग करने के लिए हमको उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा, तो वैसे सेल को मेजर करने के लिए सेल के स्केलिंग जो होता है वो माइक्रोन में लेते हैं, जैसे आप किसी रास्ते को नापते हो तो आप किलोमीटर लेते हो, किसी कपड़े को नापते हो तो मीटर लेते हो, राइट, वैसे सेल को मेजर करने के लिए माइक्रोन जो है डायमेंशनल, माइक्रोन डायमेंशन जो है, माइक्रोन यूनिट जो है वो अप्लाई होता है। तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा यूनिट है सेल का, डेट इज 0.1 to 0.15 इसका क्या रहेगा साइज रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल का बात करो तो नर्व सेल बहुत ही लंबा है, 1 meter इन लेंथ है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट, 1 meter लेंथ है नर्व सेल का, सबसे लंबा सेल है हमारे बॉडी में। और लार्जेस्ट का बात करो डेट इज ऑस्ट्रिच एग, बहुत ही बड़ा है, लाइक 170 टू 135 mm इन डायमीटर। ओके तो होप ये आप अच्छे से नोट कर लेंगे, सेल साइज जो है ये आपका स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट का ये पार्ट है। तो सेल शेप का बात करते हैं, सेल शेप जो है स्टूडेंट वो स्फेरिकल है, कोई ओवल है, कोई पॉलीगोनल है, कोई क्यूबॉइडल है, राइट, तो अलग अलग ही सेल का शेप भी है, ठीक है, तो कोई स्पिंडल शेप है, कोई सिलिंड्रिकल शेप है, तो हमारे बॉडी में जैसे जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे जैसे अलग अलग ऑर्गन मिलते हैं, इस सेल का जो शेप भी है वो अलग अलग होते जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम सेल, द शेप ऑफ सेल इज ऑफन रिलेटेड टू फंक्शन दे परफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ब्लड सेल का अलग शेप है, रेड ब्लड सेल का अपना कुछ अलग काम है, इसके बाद स्मॉल स्पेस होते हैं, नर्व सेल कुछ अलग काम है, मसल सेल की कुछ अलग काम है जो कि मूवमेंट ऑफ बोन्स में काम कराते हैं, सैलम जो है बेसिकली प्लांट में रहता है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है, एंड गार्ड सेल इज अ पार्ट ऑफ स्टोमेटा जो कि प्लांट के लीव्स में रहता है जो कि गैस को एक्सचेंज कराता है। तो देख सकते हैं कि जितने सारे सेल है सबका अलग अलग शेप होंगे और सबका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सब सेल का काम एक होता है, सब सेल का डिजाइन अलग अलग होता है, लेकिन काम जो है डिपेंड करेगा वो कैसा ऑर्गन है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये देख सकते हैं आप इसको कि देखिए आप ह्यूमन स्पर्म सेल का क्या सिंबल है, अमीबा, नर्व सेल जो कि सबसे लंबा बताया था मैंने, है ना, स्मूथ मसल सेल जो कि स्पिंडल शेप का है ना, ये जाइलम आप देख सकते हैं प्लांट पर रहता है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर रहता है जाइलम का, है ना, ये स्टोमेटा देख लीजिए आप, स्टोमेटा जो है प्लांट के लीफ में इस तरीके से रहता है, ये जो येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं ये गार्ड सेल है, राइट, ये गार्ड सेल का पार्ट है। तो वैसे ही अलग अलग सेल के अलग अलग डिजाइन रहते हैं, अलग अलग शेप रहते हैं। आई थिंक तुमको ये अभी तक का एपिसोड समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो फाइनली मैं आज के एपिसोड का सेल जो पढ़े हम, जो आगे जो एक्सपेंड किए, इसका एक प्रॉपर समिंग अप करता हूँ कि सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्लांट एनिमल, इतना आपको समझ में आया होगा। यस, प्लांट एनिमल किससे बने, सेल से ही बने हैं। सेल इज अ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। यस, सेल एक ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जो कि हमारे पूरे लाइफ को प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेड कराता है, परफॉर्म कराता है, ताकि हम अच्छे से जी पाए, अच्छे से हम अपने ऑर्गन्स को काम करा पाए। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल। यस, हम किससे बने हैं, सिंगल सेल से ही बने हैं। ईच सेल हैज इट ओन स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। यस, अलग अलग सेल का अलग लाइफ स्पैन है, यूनी है तो बहुत छोटा लाइफ स्पैन रहेगा, मल्टी है तो बहुत ही बड़ा लाइफ स्पैन रहेगा। ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल आर कंटिन्यूसली रिप्लेस बाय न्यू सेल इन द बॉडी एंड मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। यस, डेड सेल्स जाता है, न्यू सेल्स डेवलप होते हैं, और ये प्रोसेस जो है लगातार चलते रहता है, ठीक है, पुराना जाएगा नया आएगा, पुराना जाएगा नया आएगा। ये भी पढ़े हम कि बहुत सारे सेल जो है वो टिश्यू बनाते हैं, जब टिश्यू मिलते तो क्या बनते, ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में को यूनाइट होते हैं तो एक सिस्टम जनरेट करते हैं, और उसके लिए बोलते हैं हम तो अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड सेल हैज अ डिफरेंट ऑर्गन्स, ईच ऑर्गन्स आर स्पेसिफाइड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दस अ डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन द सेल ऑर्गेनल्स, माय डियर। यस, हर एक सेल ऑर्गेनल जो है हमारे सेल बॉडी में डेवलप है, और एक सेल से दो से चार से आठ ये एक तरीके का सीक्वेंस बन जाएगा, एक तरीके स्पेसिफिक नंबर्स बन जाएंगे, और इस तरीके से जो है सेल डिवाइड होते रहता है, सेल नया नया डेवलप होते रहता है। ओके, तो दिस इज द टुडेस एपिसोड। होप स्टूडेंट आपको आज के एपिसोड प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। एक चीज मैं बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा इस एपिसोड का नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका नोट आपको कॉपी कर लें, इसको आप लिंक को आप
अपने फ़ोन में या जो भी आपका जो भी गैजेट्स है उस पर आप स्टोर कर लें। साथ में आप बने रहें हमारे चैनल में, चैनल का नाम है प्रोग्रेसिव क्लासेस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय स्टूडेंट।